स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी के सिलकेला टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल टनल के बोरिंग के लिए सड़क बनाने का काम करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव में है। टनल के टॉप से पहाड़ी में 24 इंच और 1.2 मीटर व्यास के दो स्क्रैप टनल बनाने के लिए बोरिंग की जानी है। सोमवार को सतलुज जल विद्युत निगम की एक मशीन भी ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाएगी। न्यूज 18 ने पहाड़ पर सड़क कटान का जायजा लिया। 8 दिन से टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है, इस पर सड़क बनाई जा रही है। कल से ये सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, कल शाम से करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर जमीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहां पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है। जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा, इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज है इस काम की, वो इसमें बोरिंग करेगी। और रेलवे विकास निगम लिमिटेड को भी यहाँ पर बोरिंग का काम सौंपा गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क से अब जो हैवीवेट मशीनें हैं जो बोरिंग करेंगी, जिनका वजन करीब मोटे तौर पर 100 टन से अधिक बताया जा रहा है, वो मशीनें यहाँ लाई जाएंगी। इसके लिए हर वो सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन भी बिछाई जा रही है जंगल में, ताकि 2400 घंटे उस स्पॉट पर जहाँ से बोरिंग का काम शुरू होगा वहाँ पर बिजली उपलब्ध रहे। इसी तरह से पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है, यानी कि वॉरफुट पर चारों दिशाओं से टनल के यहाँ पर जो स्कैप टनल बननी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों तक पहुँचा जा सके जो पिछले 8 दिनों से टनल में फंसी हुई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद गडकरी ने बताया कि फंसे लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और अगर मशीन ठीक से चली तो 2.5 दिन में सबको निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टनल के अंदर फाइबर केबल डालने की कोशिश कर रहे हैं और 42 मीटर केबल जा चुकी है, उम्मीद है कुछ समय में आर पार हो जाएगी। वहीं मामले में सीएम धामी ने भी कहा मजदूरों की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता है और रेस्क्यू के सभी विकल्पों पर काम हो रहा है। जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नजदीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना यह हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्याय नाम। तो दक्खन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजोरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं, सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं, मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी
ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू का आज 8वां दिन है, मगर राहत कहीं से नहीं मिली है। इस बीच शनिवार को टनल ऑपरेशन की रणनीति बदल दी गई। अगर 5 जगहों से बोरिंग की जाएगी, टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो चुकी है वहां से भी बोरिंग होगी, साथ ही साथ वर्टिकल बोरिंग होगी और टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है वहां से भी बोरिंग होगी, और साथ ही साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। 5 जगह से एक साथ बोरिंग के बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। चारों स्केप टनल पर एक साथ काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और ONGC की टीमें जुटी हुई हैं। और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पे लगे हुए हैं जी सर। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीजें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है, तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा जो मलबा है और जो टनल का रूफ है जहाँ डेब्रीज जमा है, वहाँ पर डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहाँ देखे कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। टनल में जहां 41 मजदूर अभी तक फंसे हैं, वहीं उनमें से मदन सिंह भी ऐसे हैं जो हादसे वाले दिन 5 मिनट पहले एक टनल के अंदर ही थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बाहर आए, वहां से 10 मीटर आगे आकर बैठ गए। जैसे ही वापस लौटने के लिए आगे बढ़े तभी मलबा गिरने की आवाज़ शुरू हो गई। मदन सिंह का कहना है ऊपर से टनल गिरी और देखते ही देखते हजारों टन मलबा पूरी टनल में फैल गया। क्या हुआ उस दिन सर? हम तो वहां पर जहां पर हादसा हुआ वहीं पर थे हम लोग, तो हम लोग 10 मीटर पीछे थे, 10 मीटर पीछे के बावजूद हम लोग ऐसे बाल बाल बचे, हम लोग मतलब जैसे गिरा वैसे हम लोग दौड़ के बाहर निकल गए। आपने देखा था उस समय क्या? सर उतना तो सर देखने का मौका कहाँ मिला सर, जैसे गिरा वैसे धूल पूरा आवाज धूल आई, आवाज धूले के बाद बैठ गया और आवाज धूल पूरा भर गया सर, धूल में तो क्या दिखे देगा, हम सीधा बाहर निकल गए दौड़ के बाहर। अच्छा, जो अंदर फंसे उनसे आपकी बात होती रहती होगी? जी अभी पहले सर पहले बात नहीं हुई सर, पहले तो क्योंकि वो सब अंदर है, 2 किलोमीटर अंदर है तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं सर, उन सबसे बात तो नहीं हुई है। बहुत मुश्किल है, उन लोग भी जो रुके हुए हैं बहुत मुश्किल से रुके हुए हैं, बस हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, चाहे कोई भी हो जल्द से जल्द निकाला जाए उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कैसा रहता है वहाँ अंदर का माहौल कैसा रहता है? देखिए माहौल तो अंदर बहुत खराब है, पर जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है बात हो रही है उनसे, उन लोग अभी ठीक है, पर कितने दिन ठीक रहेंगे ये तो भगवान के भरोसे। लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या की मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। पत्नी और साले पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। दिवाली की रात लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद से पुलिस को कातिल की तलाश थी, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही कत्ल का खुलासा हो गया। शक की सुई घर वालों पर भी जा रही थी और इस केस में घर वाले ही इस हत्या के मास्टरमाइंड निकले। पुलिस ने इंस्पेक्टर सतीश सिंह की पत्नी भावना और साले देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी बरामद किया गया है। उसको सीरियसली लेते हुए इसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। दक्षिणी जोन की जो इसमें क्राइम टीम है उसको भी लगाया गया था और हमारे CP सर की जो क्राइम टीम है सेंट्रल टीम उसको भी इसमें लगाया गया था। इन टीमों द्वारा लगातार 6 दिन रात सुबह शाम इसमें मेहनत की गई और इस पूरे ब्लाइंड केस को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए वर्कआउट किया गया है, जिसके अनावरण के क्रम में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो मृतक का साला है देवेंद्र, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, और षड्यंत्र में ही शामिल मृतक की पत्नी भावना, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सतीश की पत्नी भावना का कहना था कि उनके पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर सतीश सिंह अपनी संपत्ति किसी दूसरी लड़की के नाम करना चाहते थे। कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो
देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ही ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। प्रयागराज में तैनात पीएसी इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या उनके घर के बाहर कर दी गई थी। दिवाली की रात करीब 2 बजे का वक्त था। जैसे ही इंस्पेक्टर सतीश सिंह अपने मानस नगर इलाके के घर के बाहर कार से उतरे, उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। वारदात के वक्त 5 राउंड फायरिंग की गई। वो दिवाली के मौके पर अपने घर आए थे, उनकी पत्नी और बेटी भी गाड़ी में थे। गेट का ताला खोलने के लिए पहुंचे, वैसे ही गोलियों का निशाना उन पर लगा और गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़े। बाद में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमरोहा में बोरिंग के गड्ढे में तेंदुआ गिर गया, बाद में वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। बोरिंग के गड्ढे में तेंदुआ गिरा हुआ है, उसने बाहर निकलने की बहुत मशक्कत की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अमरोहा में धनौरा थाना क्षेत्र के हिरणखेड़ी गांव में गड्ढे में तेंदुआ गिर गया था। गड्ढा 15 मीटर का था। शनिवार की दोपहर की ये घटना है जब हिरणखेड़ी गांव के रहने वाले रोबिन सिंह सिंचाई के लिए अपने खेत पर गए थे, लेकिन अचानक उनकी नजर बोरिंग के गड्ढे की तरफ गई, जिसके बाद तो उनके होश उड़ गए। तेंदुए को गड्ढे में देखकर स्थानीय लोग भी दंग थे। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेंदुए को देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। बिना देर किए वन कर्मी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तेंदुए के रेस्क्यू की तैयारियां शुरू हुई। तेंदुए के चेहरे पर भी घबराहट दिख रही थी, वो इधर उधर टहल रहा था। बेहद ही सावधानी से तेंदुए का रेस्क्यू करना था, क्योंकि तेंदुआ हमलावर भी हो सकता था। वन कर्मियों ने तेंदुए को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जाल फैलाया और जाल की मदद से उसे बड़ी मशक्कत के बाद बोरिंग के गड्ढे से बाहर निकाला। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू किया गया तेंदुआ 6 महीने का है। बाद में तेंदुए को अमानगढ़ रेंज में छोड़ दिया गया। पशु चिकित्सक ने तेंदुए की मेडिकल जांच कराई। जांच में पता चला है कि तेंदुए को किसी तरह की चोट नहीं लगी है। अमरोहा से न्यूज 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बाइक पर सवार होकर बम फोड़ रहे हैं। अब पुलिस के संज्ञान में यह मामला आ चुका है। आधी रात में बवाल, सड़क पर बमबाजी। गोंडा से दहशत में डाल देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां 5 से ज्यादा बाइकों में सवार युवक सड़क पर एक के बाद एक बम फोड़ते जा रहे हैं। किसी बाइक में 2 युवक बैठे हैं तो किसी में 3। इस तरह 12 से ज्यादा युवकों की टोली ने रात के अंधेरे में हुड़दंग मचाया। सभी की उम्र 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। कानून का किसी को भी खौफ नहीं है, एक ऐसा भी युवक नहीं है जिसके सिर पर हेलमेट हो। कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं, गाना भी चल रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिसने ये वीडियो बनाया है वो युवक भी पीछे बाइक में सवार है। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल भी कर दिया गया। अब शुरू से ये वीडियो देखिए जिसमें ये युवक सड़क पर सुतली बम फोड़ रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि उसके बाद दूसरी बाइक पर बैठा युवक भी जोर से बम फेंकता है और जोरदार धमाका होता है। इसके बाद सभी बाइक में सवार एक युवक एक एक करके बम फेंक कर धमाका करते हैं। अपनी इस हरकत के चलते इन लड़कों ने सड़क पर दहशत मचा दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवकों की बमबारी से भी सभी लोग सहमे हुए हैं, वहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को गलती से ये बम लग जाता तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी।
लेकिन ये युवक वीडियो बनाने में इतने मशगूल थे कि इन्होंने राहगीरों की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया। कई किलोमीटर तक इन युवकों ने बाइक को दौड़ाया और इसी तरह सड़क पर हंगामा करते हुए सुतली बम फोड़ते गए। दिवाली के दिन करीब रात 8 बजे का ये मामला बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज चौकी, गुरु नानक चौकी और एलबीएस चौराहे के पास की सड़कों में इन्होंने आतिशबाजी की। युवकों ने वीडियो बनाने के बाद इसे खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। पुलिस के पास भी युवकों के हंगामे का ये वीडियो पहुंच गया है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जनपद गोंडा से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज और चौकी के सामने सुतली बम फोड़ा गया दहशत फैलाने के लिए। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि ये दीपावली के दौरान कहीं पर आतिशबाजी का ये जैसे सीन है उसमें, और इसमें जांच की गई है किसी चौकी या चौकी इंचार्ज के सामने ऐसा कोई जो है दृश्य नहीं पाया गया है। फिर भी इस पूरे वीडियो की जांच कराई जा रही है और जहां भी जैसा भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि दीपावली के दौरान किसी ने सड़क पर जो है आतिशबाजी का प्रदर्शन किया है, और इसमें जो भी जैसी भी कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है युवकों ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाया, लेकिन इससे शहर भर में दहशत फैला दी। युवक किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रही हैं। रील्स बनाने के चक्कर में आए दिन इस तरह के जानलेवा स्टंट सामने आ रहे हैं, और चिंता की बात तो ये है कि ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। गोंडा से न्यूज 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदोई में अचानक एक हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, जिसके बाद पल भर में गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। ग्यारह 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटा और जिसके बाद तो दहशत का ही माहौल बन गया। तार के नीचे गन्ने की खड़ी फसल थी। हाई टेंशन तार गन्ने की फसल पर गिर गया और करीब 3 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। हरदोई की पाली थाना क्षेत्र के बिनैका गांव की घटना है, जिसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया, शोर शराबा होने लगा। गांव के लोग तेजी से खेत की तरफ भागे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड को भी गन्ने के खेत में लगी आग की सूचना दी गई, लेकिन काफी देर हो गए, फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो चुकी थी और देखते ही देखते लाखों का नुकसान हो गया। अब किसान प्रशासन से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान खेतों में काम कर रहे थे, अचानक हाई टेंशन लाइन में हलचल हुई और देखते ही देखते उसका तार खेत में जा गिरा। जहां पर ये तार गिरा उसके कुछ ही दूरी के खेतों पर किसान काम कर रहे थे। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त गन्ने के खेत में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हरदोई से न्यूज 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर में भी बद्रीनाथ धाम है और इसके भी हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। ये मंदिर की मान्यता क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर के कांडा में भी बद्रीनाथ धाम का एक काफी पौराणिक मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु की काफी पुरानी प्रतिमा है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की सही देखरेख और रखरखाव के अभाव में यहां से कई ग्रेनाइट की मूर्तियां चोरी हो गई, लेकिन अब भी यहां पर भगवान विष्णु की कई आकर्षक मूर्तियां मौजूद हैं। मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए इसमें हमको पुरानी मूर्तियां मिली जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले, और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफी प्राचीन रहा होगा। बागेश्वर की इस बद्रीनाथ धाम की मूर्तियां अपनी पौराणिकता की गवाह है। साथ ही कई किलोमीटर में फैला एक गांव भी है जिसका नाम नारायण गुट है।
इस मंदिर में भी हर साल अखंड रामायण और विशाल भंडारे के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग चमोली की बद्रीनाथ मंदिर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, वो कांडा के इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। ये स्थापना तब ही जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी, उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई, और वही फल जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चना यहाँ होती होंगी, बीच में जो है यहाँ ये मंदिर के भूस्खलन के कारण दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्ति सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले मंदिर पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। पहाड़ में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर ना प्रशासन की नज़र पड़ी है और ना ही लोगों की। ऐसे में जरूरत है ऐसी जगहों को सामने लाने की, जिससे कई सुलझे अनसुलझे रहस्य तो खुलेंगे ही, साथ ही पर्यटन के नए क्षेत्र भी दुनिया के सामने आएंगे। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और अब एक न्यूज 18 नेटवर्क स्पेशल। इस वर्ल्ड टॉयलेट वीक हम एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करता है, जो कि स्वच्छता संकट है। याद रखें, हर एक कदम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, SDG 6 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और शौचालय और पानी को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। आइए देखते हैं इसी के बारे में न्यूज 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश।